आज जिन स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स तथा रेंजर्स को राज्य पुरस्कार का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, मैं उन्हें हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा बताया गया, 2018 से राज्य पुरस्कार रैली का आयोजन किन्हीं कारणों से नहीं हो सका था। मैं समझता हूँ 2024 का वार्षिक कैंपोरी अनुशासन, धैर्य, सेवा और समर्पण के प्रतीक स्काउट्स एंड गाइड्स के लिए एक यादगार शिविर साबित होगा। अभी कैंपोरी रिपोर्ट के माध्यम से 21 जून से शुरू हुए शिविर की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी गई। युवाओं में सांस्कृतिक आदान प्रदान, राष्ट्रीय एकीकरण के स्पिरिट को सशक्त बनाने, आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देने, कौशल विकास और समग्र मानसिक शारीरिक क्षमता को मजबूत करने में कैंपोरी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब मैं यहाँ सभागार के लिए प्रवेश कर रहा था तो सोपैया, गांदरबल और उधमपुर के बारे में विस्तार से कुछ बच्चों ने, बच्चियों ने मुझे बताया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। पिछले 5 दिनों में यहाँ जिन कार्यक्रमों में आपने हिस्सा लिया है, वह न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे बल्कि आपके उज्ज्वल भविष्य की एक मजबूत आधारशिला भी रखेंगे। साथियों, मैं समझता हूँ कि कैंपोरी में जिस तरह का परिवेश, एक अलग प्रकार का वातावरण स्काउट्स एंड गाइड्स को उपलब्ध होता है, वह साहस, सेवा और भाईचारे के मूल्यों तथा आदर्शों को आत्मसात करने का एक बड़ा अवसर होता है। एक दो पंक्तियों से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। इस कैंपोरी के भाव और उद्देश्य उसमें मुझे लगता है प्रकट होंगे। साथ चलने का इरादा अगर जमा हो जाएगा, आदमी ही आदमी का कारवां हो जाएगा। तू किसी के पंख के नीचे एक थोड़ी जमी दे दे, तू भी किसी की नजरों में आसमां हो जाएगा। Let's go! कैंपोरी का आयोजन आपको जीवन में नियत कर्म की शिक्षा देता है। यह एकमात्र सच है कि कर्म के द्वारा ही इंसान जीवन में नई उपलब्धियां प्राप्त करता है, सफलता के नए शिखर छूता है। आधुनिक स्काउट्स एंड गाइड्स के जन्मदाता लॉर्ड बेडन पावेल बचपन से ही क्लासरूम से अलग हटकर कुछ सीखने की में रुचि रखते थे। जिन युवाओं ने उनकी जीवनी को पढ़ा होगा, उन्हें स्मरण होगा कि बेडन पावेल को क्लासरूम के बाहर कैंप और जंगलों में जाकर प्रकृति के बीच कुछ नया सीखना सबसे ज़्यादा पसंद था। जिन्होंने नहीं पढ़ा, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि वे जरूर पढ़ें। सेना में ऑफिसर बनने के बाद बेडन पावेल को समझ में आया कि उन्होंने बचपन में कैंप में जो सीखा था, वह उनके जीवन की सबसे अच्छी प्रैक्टिकल शिक्षा थी, जो उन्हें सेना में भी कुछ नया करने के लिए बराबर प्रेरित करती थी। इसी तरह 1907 में उन्होंने एक निर्णय लिया कि सभी बच्चों और युवाओं को अनुभव द्वारा ऐसा सीखने का अवसर मिले तो वो स्वावलंबी बनाए जा सकते हैं, उनमें साहस पैदा किया जा सकता है और वो समाज में सद्भावना स्थापित करने में भी मदद कर सकते हैं। मैं 1907 की उस घटना को एक बड़ी क्रांति के रूप में देखता हूँ। पहले स्काउटिंग फॉर बॉयज़ और 1910 में गर्ल गाइड की औपचारिक शुरुआत ने शिक्षा जगत में एक नए युग का शुभारंभ किया। अगर अपने देश की मैं बात करूँ, भारत की, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी और डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू, इन दो महान विभूतियों ने स्काउट्स एंड गाइड्स की स्पिरिट को बरकरार रखते हुए इसकी शुरुआत की। 1918 का महाकुंभ जो प्रयाग में लगा था इलाहाबाद में, उस मेले में भारत के युवा स्काउट्स
पहली बार तैनात किए गए और वो पहला कैंप बना जहां तीर्थयात्रियों की सेवा और प्रबंधन में जो भूमिका स्काउट्स एंड गाइड्स ने निभाई उसकी बड़ी सराहना हुई। और मैं मानता हूं कि सामाजिक और आध्यात्मिक गुणों को सीखने तथा धीरे धीरे पूरे देश में ऐसे आयोजनों में निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले स्काउट्स एंड गाइड्स की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होने लगी। भारतवर्ष में स्काउट्स एंड गाइड्स की 106 वर्षों की यात्रा को जब मैं पलट के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारी यंग जनरेशन के समग्र विकास में इसका बड़ा अतुलनीय योगदान रहा है। स्काउट्स एंड गाइड्स के आदर्शों ने उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाया है, समाज के आदर्शों में उनकी निष्ठा को मजबूत किया है, सेवा भावना के द्वारा उन्हें परोपकार की महत्ता से परिचित कराया है। स्काउट्स एंड गाइड्स ने विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की भावना को भी देश में मजबूत किया है, युवाओं को स्वयं की खोज के लिए प्रेरित किया है और इस इंस्टीट्यूशन ने उन्हें समाज में समन्वय तथा शांति के दूत के रूप में भी स्थापित किया है। उन्हें प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए भी प्रेरित किया है तथा आत्म अनुशासन एवं कैरेक्टर बिल्डिंग के द्वारा युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने लायक बनाया है। साथियों, जीवन में अपने अनुभव से आप जो सीखते हैं वह सबसे अनमोल होता है। अभी आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक अमूल्य उपहार मिला है। अब क्लासरूम लर्निंग तथा फील्ड ट्रेनिंग दोनों में स्काउट्स एंड गाइड्स के आदर्शों को सम्मिलित किया गया है उसमें, और मैं मानता हूँ कि सभी युवाओं में साइंस और संस्कार ये दोनों का मिला जुला स्वरूप होना चाहिए। युवाओं में जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं वो कैसे वो एक्सप्लोर करें, ऐसा साहस अगर हम युवाओं में पैदा कर सके तो मैं समझता हूँ इन कैंप्स की सफलता है, ताकि वो नए इनोवेशन, नए रिसर्च, नए इन्वेंशन जैसी अनेक उपलब्धियां हासिल करके विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू करने में आज जम्मू कश्मीर पूरे देश में अग्रणी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज में डिज़ाइन योर डिग्री जैसे इनोवेटिव प्रोग्राम जो जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है, आज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस प्रोग्राम को देश के सभी विश्वविद्यालयों में लागू करना चाहता है। और इस प्रोग्राम में बच्चे को सब्जेक्ट चुनने की स्वतंत्रता होगी, जिसमें उसकी रुचि होगी वही सब्जेक्ट वो पढ़ेगा। ये एक अनोखा प्रयोग जम्मू कश्मीर के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया है। मैं चाहता हूँ कि स्काउटिंग में भी जम्मू कश्मीर का उदाहरण पूरे देश में दिया जाए। मेरी आप सबसे अपेक्षा है कि अपनी सेवा भावना, व्यवहार आचरण और परोपकार जैसे आदर्शों द्वारा आप बदलते जम्मू कश्मीर में अपना योगदान कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आपकी ऊर्जा, आपका साहस, नेतृत्व करने की आपकी क्षमता और आपका खोजी स्वभाव आपके व्यक्तित्व को विकसित करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास का भी आधार बने। मुझे उम्मीद है कि हमारे स्काउट्स एंड गाइड्स विकसित भारत की यात्रा में जो नई चुनौती है देश के सामने या जम्मू कश्मीर के सामने, उसे साहस के साथ स्वीकार करेंगे, नित नए समाधान खोजने में अपनी ऊर्जा लगाएंगे, ताकि हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में आने वाले भविष्य में नई चेतना, नई ऊर्जा और नए आत्मविश्वास का जन्म हो सके। मैं युवा पीढ़ी को जम्मू कश्मीर की सबसे अमूल्य धरोहर या बड़ी संपदा मानता हूँ। समाज में परिवर्तन का सबसे बड़ा उत्प्रेरक, कैटलिस्ट भी हमारा नौजवान ही होता है, और किसी भी क्षेत्र में क्रांति के वाहक भी नौजवान ही होते हैं। आपको सफलता की नई राह बनानी होगी, नई मंजिल तय करनी होगी। मैं फिर से एक बार इस भव्य आयोजन के लिए आयोजन से जुड़े सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं, और जो बच्चे
इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, भागीदार बने हैं, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।